गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून खुलुमखा चिबाई सब हमारे तिप्रासा लोगों को। आपको सबसे पहले मैं आज मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ थोड़े दिन के पहले बाद, तो आई वांटेड टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स। मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है कि हमारा आज मीटिंग हुआ था, एक दिन कल रात भी मीटिंग हुआ था, आज फिर से होगा श्री कपिल सिब्बल से। वो इंडिया के प्रोबेबली टॉप 3 या 4 लॉयर्स से हैं, बहुत नाम मतलब कि सबसे बेस्ट लॉयर्स में हैं इंडिया में, और उन्होंने अग्री किया है कि हमारे जो 10,323 के जो अफेक्टेड टीचर्स हैं उनके लिए वो केस फाइट करेंगे। ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैंने कमिटमेंट दिया था अपने लोगों को कि इन लॉयर का पूरा फीस, इनका ऊपर आने जाने का खर्चा मैं देखूंगा, और मैं अपने पॉकेट से कर रहा हूं, इससे एडीसी का 1 रुपया नहीं है। मैंने अपने तरफ से ये किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो तिप्रासाज है, जो त्रिपुरा के लोग हैं, आम जनता है, उनको फायदा हो, और जो कष्ट हमारे 10,323 टीचरों से उनको हुआ है, बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, बहुत लोगों का नौकरी चला गया, बहुत लोग मर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि उनको इंसाफ मिले। कपिल सिब्बल जी जो हिंदुस्तान के टॉप 3-4 लॉयर्स में हैं, उन्होंने हमारा केस फाइट करने के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे, फिर से और एक बार आज उनके जूनियर्स के संग, उनके काउंसिल के संग हमारा बात होगा, और मैं आशा करता हूं कि ये जो केस है इससे हमें रिलीफ मिलेगा। मैंने कमिटमेंट दिया था और ये कमिटमेंट का जो मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, वे मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आप सीपीएम में हो, कांग्रेस में हो, आईपीएफटी में हो, मौथा में हो, तृणमूल में हो, बीजेपी में हो, कहीं में भी हो, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपना एक ड्यूटी, मैंने प्रॉमिस किया था, दायित्व लिया था, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ये एक अच्छा चीज़ है और मैं आपको ये खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको आज ये फेसबुक लाइव में मैं सबसे पहले अपने लोगों को देना चाहता था। दूसरा पॉइंट है कि मैंने कल देखा है कि काफी जगह में जनजाति मोर्चा और मोथा का थोड़ा तनाव रहा। मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो जनजाति मोर्चा है वो भी तिप्रासा है, जो तिप्रा मोथा है वो भी तिप्रासा है। भाई भाई को मारने से नुकसान तिप्रासा का होता है, कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता। शायद बहुत लोग पार्टी को जाति से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तिप्रा मोथा का चेयरमैन होने से भी सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि मैं अपने जाति को अपने पार्टी से ज्यादा प्यार करता हूं। तो भाई भाई के संग फाइट करने से बहुत बाहर के लोग हंसते हैं। प्लीज मैं फिर से, ये कल्चर को खत्म कीजिए। ये जो कहीं में कोई किसी को मारना, पीटना, पत्थर फेंकना, कहीं में मैंने एमपी में देखा कि किसी ने कहा कि महाराजा का डेथ होना चाहिए, मेरा दुख लगता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि चाबी लगाने वाला तिप्रासा नहीं है, बाहर का कोई और है। तिप्रासा सिर्फ ये करता है, लेकिन चाबी लगाने वाला तिप्रासा नहीं है। मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन अब ये भाषा जो आजकल यूज किया गया, जो अमरपुर में थूका गया मेरे ऊपर, कल मेरा मुझे मारने के बारे, मेरे डेथ के बारे बात किया गया, इससे अगर आपको लगता है कि बुबागरा मरेगा और तिप्रासा का भला होगा, तो सबसे पहले मुझे गोली मारिए। मेरे मरने से अगर तिप्रासा को कुछ मिल सकता है, तो मैं सबसे पहले मरने के लिए तैयार हूं। एटलीस्ट मुझे, मेरा मृत्यु तो आपके भलाई के लिए आएगा, ये बात आप समझ लीजिए। रहा बात की अभी थोड़ी देर के बाद एडीसी भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा अगरतला में, लेकिन 2-3 आरोप लगाया गया था, मुझे दया आता है, मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन दया भी आता है, क्योंकि जिन्होंने ये जो चिट्ठी, ये रिप्रेजेंटेशन किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये डिपोजिशन दे के जो आरोप लगाया है, सबसे पहले सीएजी का रिपोर्ट वो 2014 से है, हम 2021 में पावर में आए हैं, 7 साल से एडमिनिस्ट्रेटर जो बीजेपी का गवर्नमेंट का अपॉइंटेड था वो था जीके राव, उससे पहले कम्युनिस्ट का था, लेकिन आपने 2018 में आने के बाद अभी किया है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना है, ठीक है चलो।
दूसरा आरोप था कि 10 करोड़ सैंक्शन किया गया है काउंसिल भवन के लिए और हमने इसको शिलोंग में शिफ्ट क्यों किया। आप कभी अपने चीफ सेक्रेटरी से ही बात पूछ लीजिए, अभी तक एक पैसा नहीं मिला 10 करोड़ से। ये रुपए मेवाड़ के टाइम में भी आया था, ये पैसा अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, ईडीसी के पास नहीं आया है। दूसरा बात है, ये जो जमीन शिलोंग में था 1998 में शायद या 99 में ईडीसी ने लीज में लिया था मेघालय से, तो वो जमीन पहले से हमारे पास है। हमको लगा, और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने ही हमें रुपया दिया है, ये 10 करोड़ का रुपया नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें रुपया दिया था ट्रांजिट गेस्ट हाउस बनाने के लिए, क्योंकि वहां में हमारे जो लोग आते हैं, जो बीमार होते हैं, जो पढ़ाई के लिए आते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ही हमें अप्रूवल दिया है। स्टेट गवर्नमेंट, आप अपना चीफ सेक्रेटरी से पूछ लीजिए, जो प्रीवियस चीफ सेक्रेटरी थे कुमार आलोक जी, उन्होंने ये अप्रूवल दिया है, राइटिंग में दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फंड्स डाइवर्ट किया है, लेकिन दया आता है क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। तीसरा आरोप था खेरिंगबार हॉस्पिटल का। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो लास्ट चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब जी, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहता हूं। उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया और उन्होंने हमें पैसा दिया खेरिंगबार को अपग्रेड करने के लिए। पैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था शायद अप्रैल में, पैसा आया 30 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया, डिजाइनिंग किया और अब ये कागज रेडी है, टेंडर वर्क देना पड़ेगा। लेकिन हमने बेफजूल में इसको नहीं किया, सोच समझ के इसका हॉस्पिटल को अभी 50 से 150 बेडेड हॉस्पिटल कैसा किया जाए, इसके लिए हमने ये काम किया और आने वाले 10-15 दिन या एक महीने के अंदर शायद वो भी काम अलॉट किया जाएगा। तो अगर आपको करप्शन के बारे में बात करना है, तो आपको पहले अगर करप्शन करना ही है, आपको करप्शन का आरोप देना है, तो कीजिए, लेकिन सबसे पहले पैसा तो भेजिए। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो करप्शन करने का मौका कहां मिलेगा? जब पैसा ही नहीं आता है तो करप्शन करने का मौका कहां मिलेगा? तो आप पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिए। और दूसरा बात है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है कि मैं बुकिंग बारा के लिए बात करता हूं? आपको प्रॉब्लम है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं? आपको प्रॉब्लम है कि मैं कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा हूं? कोई मतलब कि ग्रेटर त्रिपुरलैंड के इश्यू से मैं नहीं हट रहा हूं? शायद आपको उसका लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको आदत हो गया है कि त्रिपुरासा लोग इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के जीतने से पहले ग्रेटर त्रिपुरलैंड त्रिपुरलैंड बोलेंगे, जैसे आईपीएफटी ने बोला था, और इलेक्शन के पहले कोई हाई पावर्ड कमिटी करके कोई भी कागज में साइन करके अपने त्रिपुरासा को बेकूफ बना दे। ये आपको शायद आदत हो गया है कि आंचलिक पार्टी हमेशा कुछ और बोलेगा और लास्ट मोमेंट में पैसा लेकर अलायंस करके अपने त्रिपुरासा का जो वादा किया था उसको हम लोग भूल जाएंगे। तो शायद इसके लिए आपको मुझसे थोड़ा सा एलर्जी है, चिढ़ है, गुस्सा है, नाराजगी है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आज का त्रिपुरासा बहुत अच्छा है, ईमानदार है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। हमारे पास भी सोशल मीडिया है, हमारे पास भी अब तरीका है कैसे जानने के लिए कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और इस बार त्रिपुरासा ने माइंड मेकअप कर लिया है कि हम इस बार अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए, ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस के लिए, हम अब थोड़ा सा लेन देन करके अपना भविष्य को खतरे में नहीं रखेंगे। आपको अगर कुछ करना है तो आप जाके प्लीज अपने स्टेट गवर्नमेंट से या नेशनल गवर्नमेंट से, जो सेंटर में बैठा है, उनसे आप डिमांड कीजिए कि आप त्रिपुरासा को क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के अंदर आप त्रिपुरासा को क्या दे सकते हैं। आप वो कीजिए, आप अपने गवर्नमेंट को प्रेशर कीजिए कि हम त्रिपुरासा लोगों को क्या मिल सकता है, आप वो जाकर प्रेशर कीजिए। और अगर आपका प्रेशर रहा
तो शायद पिपरासा को कुछ मिल सकता है, लेकिन आप हमको प्रेशर देके, हमको कमजोर करके आप किसको ताकतवर कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आज अगर बुबागरा नहीं होता, आज अगर तिपरा मोथा नहीं होता, तो तिपरासा के बारे कोई पूछता भी नहीं। आज जो आपको भी इम्पोर्टेंस मिल रहा है आपके पार्टी में, वो इसके लिए है क्योंकि तिपरा मोथा स्ट्रांग है। आज आप सवाल करते हैं एडीसी में, एमडीसी क्या कर रहा है, ईएम क्या कर रहा है। आज से एक साल पहले कोई सवाल कर रहा था कि आपके पास 20 एमएलएस तो है ना, उन्होंने क्या किया? 18 एमएलएस तो थे, उन्होंने क्या किया? क्या एमएलएस का कुछ दायित्व नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्या सिर्फ रामचंद्र घाट में सिर्फ ईएम सुहेली है, हमारा प्रशांत देव वर्मा नहीं है? या गोला घाटी में सिर्फ उमाशंकर है, वीरेंद्र देव वर्मा नहीं है? तो आप भी समझिए, शांतिर बाजार में सिर्फ अपना तिपरा मोता है, प्रमोद रियांग नहीं है? एनसी देव वर्मा कहाँ है? तो एमएलए भी है ना आपके पास, आप ये सवाल एमएलए से भी पूछिए ना कि उन्होंने क्या किया है। एमएलए को तो डेवलपमेंट फंड मिलता है हर साल अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए, एमएलए को तो मिलता है, आज तक तो एमडीसी को तो नहीं मिला, तभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप हमारा तिपरा मोथा का ईएम और एमडीसी का मूवमेंट देख लीजिए, कंचनपुर में, साबरूम में, मनु में, अम्बासा में, रायमा वैली में, गोला घाटी में, पूरे जगह में हम लोगों के ईएम्स और एमडीसी, बागमा में, किल्ला में, एमपी में हम लोग के लोग हैं। लोकल एमएलए कहाँ है? लोकल एमएलए क्यों चुप बैठ गया है? ये भी आपको सवाल करना चाहिए। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा दुश्मन ना बीजेपी है, मेरा दुश्मन ना कि कांग्रेस है, ना कि सीपीएम भी है, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त वही है जो हमारे तिपरासा को कुछ देगा। तो अगर आप हमसे नहीं झगड़ के अपने पार्टी को प्रेशर करें कि, और एक बात स्वीकार करें कि तिपरासा के संग अन्याय हुआ है, और तिपरासा को अन्याय कोई पार्टी ने नहीं, तिपरासा के संग अन्याय सब लोग ने किया है, सब पार्टी ने किया है, तो आप हर पार्टी में, हर नेशनल पार्टी में एक आंचलिक बुकुंग बारा का एक सेल होता है, जनजाति मोर्चा है, गणमुक्ति परिषद है, एसटी सेल है, आप अपने ही पार्टी में प्रेशर डालिए कि आपका पार्टी तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनली क्या दे सकता है। प्रेशर डालिए कि तिपरासा के संग अन्याय हुआ है, अब आप अपना पार्टी ऑफिशियली तिपरासा को क्या देगा? मोर पावर बोलने से नहीं होता है, मोर पावर का कुछ मतलब नहीं होता, एक मतलब क्या है, क्या दे सकते हैं? इलेक्शन के पहले जनजाति मोर्चा ने कहा था स्टेट काउंसिल, आज फिर से बोल दीजिए स्टेट काउंसिल विद पावर, डिफाइन किया है पावर। कांग्रेस बोलता है 244, लिख के दे दीजिए, बोल के बोलिए। सीपीएम का शायद कुछ और पॉइंट होगा, आप बोलिए। आप अपने पार्टी में आप तिपरासा का व्यू को स्ट्रांग कीजिए। मैं अपने जगह में अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूं। और लास्ट बात, यहां में ये इंडिया सबका है, ना कि कोई धर्म का है, ना कि कोई जाति का है, त्रिपुरा भी सबका है। लेकिन मैंने देखा है कि कहीं में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, कहीं में क्रिश्चियन को टारगेट किया जा रहा है, कहीं में हिंदू के खिलाफ कि तुम अच्छे हिंदू हो और तुम खराब हिंदू हो, कहीं में बुद्धिस्ट को कुछ और बोला जाता है। आप ऐसा राजनीति मत कीजिए। एक गांव में एक लीडर गया था और उसने एक बच्ची से पूछा, तुम सीपीएम हो? बच्चा ने कहा नहीं। तो बोला तुम कांग्रेस हो? बच्चा ने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम तिपरा मोथा हो? बच्चा ने कहा नहीं। तुम बीजेपी हो? तो बच्चा ने कहा नहीं। तो फिर तुम क्या हो? तो बच्चा ने कहा मैं कुछ नहीं हूं, मैं भूखी हूं। आज उसके बारे हमको बात करना है। पार्टी तो आते जाते रहेगा, अपने लोगों के बारे सोचो। ये मेरा मैसेज है। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, आई लव इफ यू आर एन, और जिनका भी कष्ट हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। और जिसने कहा है डेथ टू बुबागरा, बुबागरा इज डेथ,
जो मेरा बुरा करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं मर जाऊं तो आपको कुछ मिलेगा तो मार दीजिए मुझे। मुझे पहले भी बहुत बेइज्जत किया गया है। मुझे पॉलिटिक्स करने के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया पॉलिटिक्स में। मेरा बहुत बेइज्जती हुआ है, लेकिन मैंने ये सब बेइज्जती सहा है क्योंकि मुझे लगा कि तिप्रसा को कुछ मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे मार के, मुझे मेरा परिवार को बदनाम करके, मेरे ऊपर थूक के, मेरे ऊपर गाली बककर आपको तिप्रसा को कुछ मिल सकता है तो कर दीजिए। मैं रेडी हूं, मैं सामने हूं। सोचना आपको है कि चाबी आपको किसने लगाया और आपने क्या किया। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। 10,323 टीचर्स को जस्टिस मिलेगा और मैं सिर्फ अपने दोस्त को जो बीजेपी में है बोलना चाहता हूं कि बीजेपी ने आप थोड़ा सा चीफ सेक्रेटरी का होमवर्क अच्छे तरीके से कीजिए। विदाउट होमवर्क आरोप लगाना गलत बात है। गॉड ब्लेस यू। बेलाइन हमारे।